हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ मीसो साड़ी हॉल, जिसमें से चार से पांच साड़ियाँ मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। और उन सारी साड़ियों में से एक से दो साड़ियाँ ऐसी हैं जिनका इमेज जैसा था उस तरह से वो नहीं है। दो तीन साड़ियाँ ऐसी हैं जो जिनको आप नॉर्मल किसी भी पार्टी या फिर किसी के वेडिंग में वेयर कर सकते हो, और उनका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। आपको भी अच्छा लगेगा ये साड़ी हॉल। और इन सारी साड़ियों का मैं कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आपको लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हो। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। वो सारी साड़ियाँ जिनको मैं वन बाय वन आप सबको दिखाने वाली हूँ, और साइड में इसके साथ मैं पिक्चर भी लगाऊंगी वियर करके। तो चलिए मैं एक एक करके आप सबको ये सारी साड़ियाँ दिखाती हूँ। सबसे पहले बात करूँ तो मैं आप सबको ये साड़ी दिखाने वाली हूँ। काफ़ी अच्छी साड़ी है ये वेयर करने के बाद काफ़ी अच्छी लगेगी, और मैंने इसे वेयर भी किया है। साइड में मैं इसका फ़ोटो भी लगाने वाली हूँ, आप सब भी देख सकते हो। और इसका कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। इस पूरे साड़ी का लुक काफ़ी अच्छा है, ये पूरी तरह से गोल्डन साड़ी है और ऑर्गेंजा लुक में है, बट ये टिश्यू फैब्रिक है ये, और इसका ये बॉर्डर है। और इन्होंने टसल यहाँ पे दिया है, बट टसल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं है, मतलब इन्होंने अच्छे से इसे नहीं बांध के रखा है, तो ये खुल भी रहे हैं कहीं कहीं से। बट प्राइस के अकॉर्डिंग ये साड़ी काफ़ी अच्छी है। इस साड़ी के अंदर ब्लाउज़ भी है, गोल्डन कलर का ये ब्लाउज़ है, तो ब्लाउज़ मैंने अभी अलग नहीं किया है। ये है इसका आँचल, आँचल पर ऐसे लाइनिंग सा वर्क हुआ है वीविंग के थ्रू ही, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ये इतना ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो, मैं इसका ट्रांसपेरेंसी दिखाती हूँ। ये है इसका, ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट है, हल्का हल्का सा और ट्रांसपेरेंट है, तो अच्छा लगता है ऐसा भी। तो ये हो गई एक साड़ी। नेक्स्ट साड़ी है ये है प्लीट्स, इस पर सारे पे प्लीट्स बना हुआ है। ये कैमरे में इसका कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा ब्राइट सा लग रहा है, बट तो सामने से इसका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। जैसा इमेज में था उस तरह से इसका कलर मुझे नहीं लगा, तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इससे। और इसका ये जो फैब्रिक है, ये फैब्रिक क्वालिटी बहुत ही गंदी है, मतलब ऐसा लग रहा है किसी बड़े से थान से कपड़े को कट करके साड़ी बना दिया गया है, बस ऐसा है। बट हाँ, इसका लेंथ काफ़ी है, अगर आप इसे वेयर करना चाहते हो तो काफ़ी ईजिली वेयर कर सकते हो। और बट मुझे ये साड़ी पर्सनली बताऊँ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कलर इसका देख के ही मैंने इस साड़ी को मंगाया था। ये भी इसके साथ ब्लाउज भी उन्होंने दिया है, मैं ब्लाउज आप सबको दिखाती हूँ। ये है इसका ब्लाउज, ब्लाउज का कलर है डार्क नेवी ब्लू, और जैसा कलर इस ब्लाउज का है वैसा ही कलर इसका होना चाहिए था, बट ये कलर थोड़ा सा ये इन्होंने डाई किया है इसलिए इतना अच्छा कलर आया नहीं है, बट ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, वर्थ इट नहीं है। नेक्स्ट साड़ी है ये काफ़ी सुंदर साड़ी है, और मैंने इसे वेयर भी किया है, आप सब साइड में मैं इसकी फ़ोटो भी लगाऊंगी। ये साड़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत प्राइस के अकॉर्डिंग ये साड़ी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है, इसके प्लीट्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, मतलब कि 8-10 प्लीट्स इसके ईजिली बन जा रहे हैं, तो ये साड़ी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इसका आँचल तो और भी अच्छा है, मतलब इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी साड़ी, आप सब भी आँचल देख सकते हो कितना अच्छा शाइन कर रहा है इस पर। ये जो वर्क है ये गोल्डन थ्रेड का, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का थ्रेड है इस पर, और इसका वर्क भी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी सुंदर साड़ी है ये, बहुत ही अच्छी साड़ी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये साड़ी। पर्सनली बताऊँ तो मैं इसे किसी ना किसी वेडिंग में तो ज़रूर पहनने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी ये साड़ी। हाँ, इसका ब्लाउज़ भी मैंने बनने के लिए दे दिया है, उसका भी कपड़ा काफ़ी ज़्यादा था, किसी भी डिज़ाइन का ब्लाउज़ आप बना सकते हो, इसमें इतने कपड़े हैं ब्लाउज़ के लिए, तो मेरी तरफ से ये तो वर्थ इट है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है अगर ऐसी कोई साड़ी लेना चाहता है तो इस साड़ी को ज़रूर ले सकता है। नेक्स्ट है ये कॉटन की साड़ी, ब्लैक कलर की साड़ी है, काफ़ी अच्छी साड़ी है ये, और इसमें ब्लाउज भी दिया है इन्होंने। ब्लाउज जो है वो ये है ब्लैक कलर का, और साड़ी की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, अच्छे से प्लीट्स इसमें बन रहे हैं, और ये जो भी वर्क ये लाइनिंग दिख रही है इस साड़ी में,
ये साड़ी गोल्डन कलर में है, येलो नहीं है, क्योंकि मैंने जब इस साड़ी को मंगाया था तो मुझे लगा कि येलो लाइनिंग है, बट ये गोल्डन है। और जो टसल है उनको भी अच्छे से टाई किया है, तो ये टसल भी अच्छे लग रहे हैं पहनने के बाद। आप सब भी देख सकते हो कि अच्छा है ये, और ये साड़ी मुझे वर्थ इट लगी। अगर आप ऑफिस पहन के जाना चाहते हो तो ऑफिस के लिए भी ले सकते हो, अगर आप नॉर्मल घर में या फिर कहीं भी कैजुअली पहनना चाहते हो तो इस साड़ी को ले सकते हो। डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी साड़ी है। पांचवी साड़ी जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी कि उस साड़ी को आप कभी लो, क्योंकि बहुत ही गंदी साड़ी है, जो उसका मटेरियल है वो बहुत ही गंदा है। ये है वो साड़ी, कुछ इस तरह से ये साड़ी थी, बट रिसीव बिल्कुल ही डिफरेंट हुई है बिल्कुल, इसीलिए मैंने इसे ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी ये साड़ी, क्योंकि उस इमेज में जो साड़ी का फैब्रिक है वो ऑर्गेंजा दिखाया हुआ है और ये पूरी तरह से पॉलिस्टर दिया है इन्होंने। मैं आपको इसके अंदर का फैब्रिक दिखाती हूँ। ये है इसका फैब्रिक, का मटेरियल भी साड़ी वाला मटेरियल नहीं है, इसलिए मैंने इसका रिटर्न भी डाल दिया। शायद ये है इसका ब्लाउज पिंक कलर का, आप सब यहाँ से भी देख सकते हो कि इन्होंने किसी बड़े से थान से इसको कट करके भेज दिया है, तो इसकी क्वालिटी बहुत ही गंदी है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।